गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने वर्क को और आज का वर्क हमारा बेसिकली है यूपी टाइप हमारा टेस्ट नंबर वन होगा तो क्लास बच्चों आपकी लाइव हो चुकी है सभी बच्चे क्लास में आ जाएं आई कैन सी शिखा अर्चना पारुल कृतिका राखी वेरी गुड इवनिंग बच्चों जी नेहा गुड इवनिंग सौरभ वेरी गुड इवनिंग तो बच्चों ये हमारी शुरुआत है स्पेशली यूपी टेट को फोकस में रखते हुए और इसमें शुरुआत करते हैं बस हम और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जी पारुल नमस्ते जी काशवी वंदना गुड इवनिंग सौरभ गुड इवनिंग तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है बेसिकली मैं आपको बता दूं और मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने वाला हूं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं क्योंकि इसके थ्रू हम देख सकते हैं हम जज कर सकते हैं हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहां पे होंगे लाइक यू सी दिस टू अचीव द कड तो बच्चों यहां पे बोला है कि करेक्टली मीन्स इसका मीन्स क्या है कि टू चीव द कड आपकी एक इडियम है यानी आपके क्वेश्चन से भी ट्वेंटी थर्ड जैन को होंगे तो अगर आप चीव द कट की बात करें बच्चों बताओ इसमें क्या बनेगा टू कंट्राइव अगेन्स्ट टू डाई ऑन ड्यूटी टू मेडिटेट या फिर टू इन इनकलकेट वर्चूज अच्छा ठीक है ऑल राइट right, राकी इबारत गुड इवनिंग तो सब बच्चे आंसर करेंगे कि इस ईडीएम का आंसर हमारा क्या जाएगा टू चीव द कर वन का डी टू इनकलकेट वर्चू ओके सी सिखाने का है टू मेडिटेट जी रैकी रैकी ध्यान से देखो ये यूपी टेट की ही प्रैक्टिस है बेटा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर बच्चों सी आपका टू मेडिटेट बेसिकली क्या होता है टू द कड कड इस तरह से कड समझ लो क्या होता है आप समझते हैं आपने देखा है जानवर होता है गाय होती है भैंस होती है बफेलो होती है तो बफेलो एटसेट्रा क्या करते हैं वो पहले घास को खा लेते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं उसको ची करते हैं जुगाली जिसको बोलते हैं है ना तो चिउ द कड उस कड को वो जो उनके अंदर होता है उसको दोबारा से वो चीव करते हैं इसका मीन्स वो थिंक करते हैं मेडिटेट करते हैं तो यहाँ पे टू चीव द कट का मीन्स होता है आपने देखा उसमें वो कुछ नहीं करते सिर्फ अपने मुंह को चलाते रहते हैं यानी कि टू मेडिटेट तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे क्या जाएगा टू थिंक या टू मेडिटेट इसको हम ये भी कह सकते हैं टू पोंडर ओवर टू थिंक ओवर एक ही बात है हाँ बिल्कुल क्या अब प्रॉपरली आवाज आ रही है आवाज एक बार और देख ले क्या अब वो ही सारी है बच्चों आपको <coughs> हां अब जी ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक है ठीक है जी ठीक है तो सब बच्चे ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर टू को प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस ही वॉज वेरी मच ashamed. तो बच्चों ashamed के साथ क्या बनेगा फोर ऑफ विद या फिर ओवर तो कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है ओफ आएगा एशेम्ड ओफ का मीन्स बच्चों होता है लज्जित होना राइट क्वेश्चन नंबर थ्री को हम देखते हैं ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गोन टू अमेरिका अब सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी है यहां पे बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखनी है कि काम हुआ नहीं है है ना यहां पे उसने बोला ही फर्स्ट का मतलब है कि अगर वो एग्जाम में फर्स्ट आता ही वुड हैव वो चला जाता लेकिन गया नहीं वुड हैव प्लस वी थ्री बच्चों किस चीज को बताते जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं तो देखो एनी वेज आने का मीन्स तो नहीं है एनी वेज ही स्टूड फर्स्ट हैव ही ये कभी नहीं लगते पहली बात अब देखो इफ और हेड इन दो में से आपको देखना है <coughs> अगर मैं कहूं आपको यहां पे इफ ही स्टूड फर्स्ट तो बच्चे गलत है है ना इफ यहां पे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा बल्कि क्या परफेक्ट आएगा यहां पे हेड हेड he ही स्टुड फर्स्ट क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब बच्चे क्योंकि इस जगह पे हैं कि अब ये वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है तो अब साउंड आ रही है बच्चों इसमें मैंने चेक कर लिया है साउंड इज प्रॉपर नाउ अब साउंड आपको प्रॉपर मिलेगी वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे क्वेश्चन नंबर फोर पे तो थर्ड वाले का आपने आंसर बच्चों देख लिया थर्ड वाले का आंसर हमारा क्या बना है इट इज is... तो यहां पे हम आंसर देंगे फर्स्ट वाले में ऑफ बनेगा इसमें हेड होगा अब आप फोर्थ की बात करेंगे ओप द सोर्ड एंड पेन अगर आप बच्चों इस सेंटेंस को देख हैं सोड एंड पेन द तो बताइए क्या लगता है तो यहां पे दो वर्ड हैं आपके पास एक एक वर्ड है बच्चों लेटर और एक है एल ए डबल टी इस लेटर को आप कब लगाते हैं जब टाइम की बात हो ये टाइम को बताता है समय से लेट होना लेकिन ये जो लेटर है ये बच्चों ऑर्डर को बताता है ऑर्डर का मीन्स क्या हुआ सेकेंड वाला यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे बाद वाला आ रही बात समझ में यानी अगर मैं कि ऑफ द सोड एंड पेन तो देखो बच्चों सोर्ड पहला बना पेन दूसरा बना है ना द तो यहां पे क्या बनेगा एल ए डबल टी ई आर लेटर ये वाला क्लियर हो रहा है सब बच्चों को तो फोर्थ का आंसर बच्चों क्या बनाया आपका थर्ड क्योंकि दो है तो दो के लिए आप कंपेरेटिव यूज करेंगे मैं आपको बता दूं इनकी पॉजिटिव डिग्री आपकी है लेट late, फिर लेटर लेटर और बच्चों लास्ट और लेटेस्ट इसकी क्या बनेगी सुपरलेटिव डिग्री तो ये लेटर बेसिकली पेन को बता रहा है पेन क्या है यहां पे लेटर और अगर हमें कहना होता पहले वाला जैसे यहां पर बाद वाला है अगर आप पहले वाला कहते तो बच्चों आप क्या लगाते हैं यहां पर सोर्ड के लिए आप यूज करते फॉर्मर यार ये बात पकड़ में तो अगर मैं कहूं द फोर्मर तो वो सोर्ड बनेगी अगर मैं कहूं आपको द लेटर तो वो आपका पेन बनेगा क्लियर है सब बच्चों को तो यहां पे आंसर आपका बना है एल ए डबल टी R। क्लियर अच्छा पारूल आवाज तो ठीक है बेटा मैं देख पा रहा हूं अभी <coughs> अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों यहां पे फाइव नंबर अब देखो आपके पास क्वेश्चन प्रीफिक्स और सफिक्स इन सबसे होंगे वहां पे आपको सफिक्स भी यूज करना है आपको प्रिफिक्स भी यूज करना है फॉर एग्जाम्पल वी सी हेर बिहेव गाइड और बच्चों यूज तो आप देखो इन बिहेव कुछ होता है क्या डिसबिहेव कुछ होता है क्या लेकिन मिसबिहेव होता है हमने कहा बिल्कुल सही बात है तो हम कह सकते हैं मिसबिहेव मिस गाइड और मिस यूज बिल्कुल सही बच्चों ये सही आंसर है आपका फाइव नंबर का मिस तो हमें ये देखना है कि प्रिफिक्स जो होता है किसी वर्ड के लगता है पहले और बच्चों अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो ये लगता है बाद में जैसे अगर हम गोइंग की बात करें गोइंग और यहां पे सॉरी सॉरी हम बात करें हम करें बात मोशन की ओ टी आई एन है ना तो मोशन में हम लगाएं बाद में तो बच्चों क्या लगा सकते हैं लेस लगा सकते हैं तो हम कहते हैं मोशनलेस यूजलेस गाइडलेस मिस बिहेवलेस ये कोई बात नहीं बनेगी गाइडलेस भी कोई बात लेकिन यूजलेस हो सकता है मोशनलेस हो सकता है तो आपने यहां पे सफिक्स जोड़ दिया है तो सफिक्स जुड़ता है बाद में और जुड़ता है पहले अब देखो इसमें से करेक्ट आपको सेंटेंस देखना है अगर मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कॉमन एरर बेस्ड है कॉमन एरर बेस्ड तो जरा बच्चों बताओ द कमेटी वर ऑन वन ऑन दिस पॉइंट कभी वर नहीं आएगा कमेटी वॉज वन ऑन हो सकता है वोज डिवाइडेड डिवाइडेड के साथ में कभी वोज नहीं आता वर आएगा प्लूरल आएगी और कमेटी है वन नहीं बच्चों तो आप खुद बताइए क्या बनेगा तो अगर आप देखें एग्जैक्टली बच्चों बी बनेगा अब इसको सिर्फ समझो आप बात को कमेटी अगर मैं कहूं तो कमेटी बेसिकली आपका एक कलेक्टिव नाउन है कैसा नाउन है कलेक्टिव यानी कि अ कलेक्शन ऑफ जजेस इज कोल्ड कमेटी कुछ पीपल वहां पे हैं वो कमेटी बनाएंगे तो कमेटी बेसिकली अगर मैं कह दू on point, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी कमेटी के सारे लोग एक ही बात बात को को कह रहे थे सारे मेंबर्स एक बात को. लेकिन जब वो वो डिवाइडेड हैं अगर डिवाइड हो हर पर्सन अलग बात कहे तो बच्चों फिर वोज नहीं हम वर लगाते हैं तो अगर मैं ऐसे वर लगा दू तो ये थर्ड भी सही होगा लेकिन यहां पर सेंटेंस आपका ओनली सेकेंड सही है क्लियर टू एवरी तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं जो कलेक्टिव नाउन बेस्ड हो जाएंगे या बच्चों मटेरियल नाउन पे बेस्ड होंगे है ना यानी अगर मैं इसको कहूं तो ये नाउन बेस्ड आपकी कॉमन एरर है वहां पे वो आपसे सिंगुलर प्लूरल है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको आंसर करने होंगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली अगर हम सिमली कहें तो बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बल्कि क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच तो देखो इस फिगर्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आपके किससे आते हैं अलंकार बेस्ड कैसे होते हैं अलंकार बेस्ड ठीक <coughs> है बच्चों बहुत अच्छी बात है अब देखो लिखा है अगर मैं सिमिली आपको बताऊं तो बच्चों सिमिली में लाइक like और एज ये सबसे बड़ी चीज है दो का कंपैरिजन और लाइक like और एज का कहना तो अगर हम इसमें देखें देखो लाइक like और एज ये रहा आपका आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड ये लाइन कहां पे आती है डेफोडिल्स में क्या बात सही है सब बच्चों को ये डेफोडिल्स में आती है जो किसने लिखा है ने तो यहां पे आई का कंपैरिजन क्लाउड के साथ में देखिए आई वो लोनली मैं अकेला घूमा कैसे घूमा जैसे कि अकेला या आवारा बादल घूमता है तो एज से कंपैरिजन कंपेरिजन बना दिया तो सेंटेंस हमारा क्या लिए हुए है सिमली सिमली अलंकार यहां पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है राइट बच्चो अब यहां पर दूसरा देख लो आप समझने के लिए लाइफ इज अ ड्रीम अब देखो अगर मैं ये कह दू आपको लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो बच्चों ये क्या बन जाएगा अगेन सिमली लेकिन लाइक ना लगा के बात वही कही गई है तो ऐसी जगह पे जहां पे हम लाइफ को सीधा ही ड्रीम बना दें है ना लाइक और एज का यूज ना करें वहां पे आपका मिटाफर होता है अब अगला देखो आप लोग एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस एंग्जाइटी क्या होती है बच्चों चिंता चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई थी है ना कहते ना चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी तो अगर बच्चों चिंता बैठी है तो सिट कौन करता है बैठता कौन है ह्यूमन बीइंग है ना चिंता थोड़ी बैठती है तो आपने चिंता को ह्यूमन बीइंग बना दिया लिविंग बीइंग तो ऐसी जगह पे आप परसोनिफिकेशन बनाते हैं बहुत अच्छे देखो सब बच्चे जवाब भी दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बच्चों अगर मैं कह दू अज नो लेग्स झूठ के पैर नहीं होते तो देखो झूठ क्या होता है नॉन लिविंग है ना हम कह देंगे तो ये क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकिन हमने दिखा दिया इसके पैर नहीं होते टांगे नहीं होती इसका मतलब इसको भी तो इसमें भी बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं अब यहां पे बना है आपका आपके बनेंगे। लिखा है शोन द न्यू बोर्न बाय द वुमेन अब यहां पे देखो वर के साथ में थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब बच्चों ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है आपको एक्टिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे वर्षोन को आप किस में लेके जाएंगे वी में सीधी सी, सी बात है कहां से आते हैं वी से अब देखो यहां पे वी नहीं है यहां पे वी नहीं है यहां पे वी नहीं है तो आपका बचा शोड ये वीटू है बच्चों वेरी गुड सब बच्चों ने बता भी दिया वेरी गुड रेनु पारुल बहुत अच्छे थर्ड आंसर बनेगा द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बोर्न द विजिटर्स वर्ष ऑन द न्यू बोर्न बाई द वुमेन बहुत अच्छे बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे सेलेक्ट द एंटोनिम एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स बच्चों देखो एडवर्स का मीन होता है ऐसी परिस्थिति जो आपके विरुद्ध हो खिलाफ हो तो एडवर्स अगर मैं कह दू तो एडवर्स का मीन्स होता है विपरीत विपरीत होना प्रतिकूल होना अब देखो होस्टाइल भी वही है अनविलिंग भी इमिकल भी लेकिन बच्चों इसको सेकंड वाले को देखो अगर एडवर्स कंडीशन है तो वो फ्रेंडली भी तो होंगी तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहां पे सेकंड बहुत अच्छे बच्चों गुड आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इबारत बहुत अच्छे नेल नीलू अंजलि अर्चना पारुल वेरी गुड राखी जायरा रेनू धनंजय नाई शिखा अब देखो बच्चों नंबर पे देखेंगे आपको फिल करना है प्रोवर्ब में प्रोवर्ब है ब्लड इज अब देखो यहां पे आपको देखना देन आया है और वाटर है ब्लड और वाटर की बात हो रही है और बच्चों यहां कंपैरिजन बताता है है ना कभी भी इस जगह पे आप थ, एन का यूज नहीं करेंगे ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आपकी अब ब्लड को अगर मैं वोटर से कहूं तो थिन पतला तो नहीं होता थिक मोटा हम मोटा होता है प्योर भी नहीं होता तो बच्चों आंसर क्या लगाएंगे और वैसे भी एक प्रोवर्ब है ब्लड इज थिकर देन वोटर मतलब ये होता है कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो ज्यादा जबरदस्त होते हैं बाकी बजाय अदर रिश्तों के करेक्ट बात बच्चों तो आंसर आपका क्या बन गया यहां पे सेकंड आते हैं बच्चों इलेवन नंबर पे ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो अगर मैं कह दूं कि बीज आर कैप्टन तो बताओ बच्चों मधुमक्खियों को किस में रखा जाता है उनके रहने वाले प्लेस या मकान का नाम क्या है हाउस का नाम क्या है क्या उन्हें पेंट्री में रखते हैं नहीं पेंट्री में खाना बनता है नर्सरी बच्चों के लिए होती है एपियरी बिल्कुल हो सकता है एक्वेरियम आपको पता है फिशेस के लिए होता है तो बच्चों एपियरी बनेगा एपियरी का मीन्स होता है हां मधुमक्खियों के लिए जो स्थान हो और अगर बच्चों यहीं पे मैं एवियरी की बात करूं तो एवियरी किसका बनेगा जरा बताओ पी और वी बस एक वर्ड का एक लेटर का डिफरेंस है एवियरी किसका होगा प्लेस जी बिल्कुल ठीक है अनुरुद तो सब बच्चे बताएं एवियरी किसका प्लेस बनेगा बर्ड्स के लिए रेनू बिल्कुल ठीक है तो ये बच्चों बर्ड्स के लिए बनता है बर्ड्स का जो प्लेस या हाउस होता है वो एवियरी है आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे द इडियम ग्रीन आइड मोनेस्टर तो बताओ बच्चों ग्रीन आइड मोनेस्टर किसको कहेंगे आप हरी आंखों वाला दैत्य या हरी आंखों वाला राक्षस तो बच्चों हरी आंखें बेसिकली किसकी होती जेलसी की समझ रहे हो आप ये जो जेलसी है जेलस जेलस हम हम कहते है, तो हम कहते हैं हैं टू बी तो को सब बच्चों ने देखी होगी है ना तो ईर्षा ही ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है बहुत अच्छे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड तो बताओ बच्चों आर्टिकल का गलत यूज किसमें हुआ है ही इज अ अमए ट्वेल्व इंचज मेक अ फुट अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर ही इज अरोपियन तो बताओ किसमें गलत लगा है चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन गलत है थर्टीन का वन बिल्कुल सही आंसर जा रहा है एग्जैक्टली exactly बच्चों अगर हम एम ए कहें तो एम ए में आप कभी भी ए नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं एनएमए है ना क्यों लगाते हैं क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं एफ एफ है एम है एन है एस है एक्स है ये कई सारे वर्ड्स हैं इनमें क्या होता है कि आप अगर इनसे कोई एब्रीवेशन बनाते हैं तो उसके पहले एन लगता है जैसे एन एस पी एन एफ आई आर समझे ना सब बच्चे और इसी तरह से एन एम ए क्लियर आगे आते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग अब देखो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन भी आपके लिए होंगे 23rd को बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन टैग भी होंगे देखो लिखा है पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप सेंटेंस से एक तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हेल्पिंग वर्ब लगा दो सब बच्चे यहां पे तो बन गया शुड और फिर देखो पीपल अगर मैं पीपल कहूं तो ये नाउन है नाउन कभी नहीं आता इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बल्कि क्या आता है दे भाई पीपल के लिए आप क्या लगाएंगे दे और आपको ये देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा नेगेटिव नेगेटिव देखो स्टूडेंट स्टूडेंट हो गया तो शुड दे आएगा बस तो ये आपका तो आप देखो इसमें कहां बनेगा हेरा ए वन बन गया आपका आंसर बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड तो इसमें दो ही चीज आती है एक बच्चों आपकी वर्ब आती है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की और यहां पर सब्जेक्ट होता है इसी से आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं या कई बार हम इसे टैग क्वेश्चन भी कहते हैं आते बच्चों अगले क्वेश्चन पे 15 नंबर सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स आप देखो इसमें से किसमें आपको गलती ढूंढनी है एरर को फाइंड आउट करना है यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट वन ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल बताइए बच्चों कहां पे गलती है सब बच्चों को बताना है किस पार्ट में यहां पर गलती दिखाई आपको दे रही है बड़ी ध्यान से देखो फॉर द लास्ट वन ईयर एक साल से आप सीख रहे हैं बट यू शो नो इंप्रूवमेंट एट ऑल तो बच्चों कभी भी ये कॉन्टिन्यूस में थोड़ी बनेगा हाँ बिल्कुल सही है इसको हम कैसे बनाएंगे फोर प्लस टाइम जब भी आ जाए वो परफेक्ट में बनेगा और बच्चों लर्निंग लर्निंग है तो क्या बनेंगे यू हैव बीन एम आई राइट और नॉट तो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट वन ईयर तो आंसर आपका वन बन जाएगा क्योंकि वन में ही गलती है जी कोमल हाँ बेटा सी टेट के तो बहुत हो चुके हैं कोमल अब तो बस इसको करें आप सिक्सटीन को देखेंगे सब बच्चे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ अब देखो बच्चों कीडों की अगर हम कीड़ों की कीट मको, कीड़े मकोड़ों की बात करें इंसेक्ट्स की बात करें तो उनकी क्या क्रिमिनोलॉजी नहीं बच्चों क्रिमिनल का होगा एंटोमोलॉजी हो सकता है माइकोलॉजी फंजाई का होता है मिटीरियोलॉजी जी का मतलब होता है बेसिकली आपका ये मौसम विज्ञान अब यहां पे देखो माइकोलॉजी की अगर आप बात करेंगे ये अलग हो गया एंटोमोलॉजी तो ये बच्चों सेकंड बनेगा हंड्रेड परसेंट सेकेंड बनेगा बने करेक्ट हो गया देखो एंट एंट का मींस ए एंटी बना लो एंट का मीन्स चींटी चींटियों को आप मोल लेके आते हैं एक किलो और फिर उनकी स्टडी करते हैं लॉजी करते हैं तो ये चींटी क्या है आपकी इंसेक्ट तो है ऐसे आप बना सकते हैं इनको क्वेश्चन नंबर पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच किसकी देखनी है आपको आई आस्ट वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल वो की होल से क्यों देख रहा था तो बताओ बच्चों क्या बनाओगे आर यू लुकिंग थ्रू द की होल क्या ये इसकी डायरेक्ट स्पीच बनेगी या फिर अगर लिखा है आई आस्ट वाई ही वॉज लुकिंग तो सीधी सी बात है बच्चों वाई ही यहां पे शुरू से बनेगा यानी कि ये वाला हमारा वायर लुकिंग थ्रू द की होल आई आर आई सेड तो आंसर आपका थ्री बन जाएगा एग्जेक्टली exactly. बिल्कुल ठीक है कोमल आपने करेक्ट आंसर दिया है तो यहां पे आंसर आपका थ्री बनेगा क्योंकि याद रखो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड लेते हैं अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड में है, तो वही आपका कंजंक्शन बनता है ये आपको ध्यान रखना है आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस देखो प्रेजेंट टेंस में बनाना है माई डोटर नेवर राइट तो देखो डोटर है तो राइट बनेगा टू मी सो आई नेवर नेवर तो देखो आई आई नो क्योंकि I को यहाँ पे प्लूरल काउंट करते हैं शी डू नहीं बच्चों डज आएगा तो देखो यहां पे किसमें देखेंगे नेवर राइट राइट्स आ गया न्यू माय डॉटर नेवर राइट रोड टू मी क्या प्रेजेंट टेंस है ना तो देखो माई डूडन नेवर राइट्स टू मी आई नेवर नो बिल्कुल ठीक है शी इज डूइंग ये तो सारी गलत दिख रहे हैं अगर हम इसमें बच्चों देखें तो राइट्स आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए सी एटीन का फोर बताने जाए जाता बच्चे राइट्स हो गया माई डोटर नेवर राइट्स टू मी सो नेवर न्यू वॉट शी डज नहीं बच्चों। देखो प्रेजेंट बता रहा है ना तो प्रेजेंट में ये नो ही होना चाहिए नो तो इसमें अच्छा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है उसने इंडेफिनेटली बोला बिल्कुल थ्री बनेगा आपका आंसर बच्चों थ्री बनेगा सी करेक्ट हो गया हाँ जी नहीं नहीं रेनू नोज नहीं बेटा नो ही बनेगा क्योंकि आई के साथ में तो प्लूरल आती है ना वर्ब तो आंसर आपका थ्री बनेगा ध्या, ध्यान से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है उसने प्रेजेंट टेंस की बच्चों बात की और कुछ नहीं बोला चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में बने है, कैसे तो देखो माय डॉटर नेवर राइट्स टू मी कभी मुझे नहीं लिखती सो आई नेवर नो मैं कभी नहीं जान पाती वॉट शी इज डूइंग वो क्या कर रही है तो आंसर हमारा थर्ड बनेगा बाकी इसमें फिट नहीं बैठता है न्यू का स नहीं बनता है न्यू का मीन्स नहीं ये प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में नहीं है करेक्ट होगी बात के नहीं बस यही आपका प्रेजेंट में थर्ड वाला प्रेजेंट में बनता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितना अच्छा है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम तो सिनोनिम आपको देखना है का ये बच्चों आपको कैंटेंक्रस का देखना है सिनोनिम तो देखो रैश क्वारलम नॉइजी या बच्चों डिसरेस्पेक्टफुल क्या बनाएंगे आप टेंस का synonym आपका क्या बनेगा बेसिकली मैं बता दूं आपको एक ऐसा पर्सन जो लेके आ सकता है लेके आ सकता है लड़ने के लिए तो बताओ वो कैसा बनेगा हंड्रेड परसेंट तो आप इसको कैसे बना सकते हैं कैन टैंक टैंक लेके लड़ने के लिए चल पड़े क्या तुमसे लड़ता हूं तो क्वारलसम झगड़ालू किस्म का पर्सन बनेगा ऐसे आप इसको बच्चों याद कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी नंबर पिक आउट द सेंटेंस देंटेंस ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब सब बच्चों को मैं बता दूं कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं आपको बच्चों दैट होता है दीज होता है, होता है, है ना प्लूरल दिस का क्या है दीज और देट का क्या है बच्चों दोज दिस दैट दीज दोज है ना और हम कहेंगे सर्टेन सर्टेन भी बनेगा और बच्चों कई सारे इसमें होते हैं अब बेसिकली इसको देखो ये सारे के सारे कब एडजेक्टिव बनेंगे जब ये किसी नाउन के पहले यूज हो लाइक देखो यहां पे इट इज दी नहीं है दिस दिस काइंड 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 ऑफ क्वेश्चन तो बच्चों से पहले हमारा बन रहा है दिस बाकी में देखो कहीं भी नहीं है तो यही आंसर आपका सेकेंड बन गया बहुत अच्छे बच्चों क्लियर आंसर दे रहे हैं सब लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं वेद पांडे बहुत अच्छे राखी रेनू अर्च अर्चना शिखा जायरा धनंजय वेरी गुड मॉर्निंग का पारुल अब देखो बच्चों आपके पास 21 से 25 तक हमारे पास है अगेन एक पैसेज अब एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा जो हमने आपको रिवर्स टेक्निक बताई थी एक बच्चे ने मुझे अभी मैसेज किया था शायद एमपीटेड टेट था उनका कौन सा था उन्होंने इस रिवर्स टेक्निक का बढ़िया से यूज किया उन्होंने कहा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा तो दे ही रही है तो बच्चों ये आप देख सकते हैं यहां पे जैसे लिखा है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कॉम्प्लीशन है ना वर्क एक्सपेंड हो जाता है बढ़ जाता है अगर उसके लिए समय दिया गया ज्यादा हो द जनरल रिक्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज द फेज इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर है ना अब जरा इसमें क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है वट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाई द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड तो बच्चों यहां पे आते हैं कि पोस्ट कार्ड लिखने के लिए एल्डरली लेडी कितना समय स्पेंड करती है टोटल कितना समय लगाती है तो हम यहां पे देखते हैं और देखो ये लिखा है यहां पे यही इसी लाइन से दस एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द एंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर नीस अपनी भतीजी को लिखने के लिए एन आर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड अनोदर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स है ना तो देखो एक घंटा हो गया ये दूसरा हो गया हाफ एन आर टू सर्च फॉर द एड्रेस ढाई हो गया एन आर एंड अ क्वार्टर इन कंपोजिशन एंड ट्वेंटी मिनट इन डिसाइडिंग वेदर और नोट तो आप इसमें देख सकते हैं ये फोर एंड अ फाइव मिनट्स बनेगा बच्चों कैसा बन जाएगा फोर एंड मिनट तो देखो इसमें लिखा है सिर्फ उसने टोटल टाइम अटैचमेंट बाई दी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड तो इतना अगर हम इसे लीजर में बदल दे तो बच्चों फुल डे बन जाएगा आंसर फुल डे हो जाएगा तो ये चीजें आपको समझनी है के रूबी अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे वॉट द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इनक्रीजेज अगर समय को हम बढ़ा दें तो बच्चों क्या जाता है वर्क वर्क इज इज डन डन स्मूथली तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहां पे क्या लिखा है ये देखो जरा है ना इट इज द दिजियस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर उसे करें तो बच्चों को लिजरली हम करते हैं उसमें फिर क्या करते हैं हम उसमें उसे फुर्सत में बनाते हैं और समय उसमें ज्यादा लगना होता है अब आप आते हैं यहां पे इसमें लिखा है वोट द एक्सप्रेशन पिलर बोक्स स्टैंड फोर पिलर बोक्स का मीन्स क्या है अ बोक्स अटैच टू द पिलर बोक्स इन द पिलर बॉक्स ऑफिस या बच्चों पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स आप खुद बताइए भाई यहां पे अगर लेटर की बात की गई है, है ना ये लिखा है कि नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला गोइंग टू द द पिलर बॉक्स इन स्ट्रीट अगर वो लेटर लिखेगी तो पिलर बॉक्स पे जाएगी तो बच्चों क्या होगा वो हंड्रेड परसेंट पोस्ट बॉक्स होगा तो पिलर टाइप का पोस्ट बॉक्स है आंसर आपका फोर बनेगा बहुत अच्छे बच्चों अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क अब देखो मोर टाइम के लिए वहां पे क्या बिजी मैन बताया गया है क्या लिखा है बच्चों यहां पे लिखा है ये देख सकते हैं आप बिजी मैन दस इट इज द बिजिएस्ट मैन बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर तो हम यहां पे आ जाते हैं मैन ऑफ लिजर एक्स नहीं बल्कि बिजी मैन उसको बनाया जाएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कहता है पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कॉम्प्लीशन वर्क बढ़ जाता है अगर उसके लिए समय को बढ़ा दिया जाए तो क्या मीन है मोर वर्क देर इज टू बी डन द मोर टाइम नीडेड नहीं वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ऑफ वर्क ऑल इट विल बी बीज ये बात हमारी सबसे बड़ी बनती है है ना तो आंसर आपका टू बना जितना भी समय होता है वो सारा उसमें लग जाता है ह्यूमन बींग ऐसा ही होता है अब कहते हैं एंटोनिम ऑफ द इनोसेंट सब बच्चे मुझे बताएं इनोसेंट का मीन्स क्या होता है निर्दोष क्या होता है बच्चों निर्दोष जिसमें कोई दोष ना हो वैसे भी अगर मैं देखूं इसको तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहां तक है ना ट्वेंटी फाइव तक आ गए तो ये क्वेश्चन है तो देखो क्लेवर बनेगा बच्चों क्या अपोजिट इग्नोरेंट एक्टिव या बच्चों गिल्टी तो देखो क्लेवर इग्नोरेंट या गिल्टी ये सारे के सारे अलग वर्ड्स हैं लेकिन गिल्टी अपराधी ये वर्ड इसके लिए बनेगा तो आंसर आपका फोर बनेगा बिल्कुल धरेंजय करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका राखी सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरोप्लेन फ्रॉम एरोप्लेन दे कैन डू थ्री थिंग्स अब देखो बच्चों ये लिखा है दे कैन डू थ्री थिंग्स एयरप्लेन कैन नॉट डू क्या क्या है पहला है बच्चों वेन एयरप्लेन मूव अपवर्ड दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड बट हेलीकॉप्टर्स कैन मूव स्ट्रेट अप विदउट मूविंग अहेड और दूसरी बात है कि हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड पीछे भी मुड़ सकते हैं जो कि एरोप्लेन कर नहीं सकते थर्ड क्या है हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देर रोटर्स टू हावर इन द एयर और ये एयरोप्लेन कभी नहीं कर सकता है तो जरा बच्चे यहां पर आते क्वेश्चन पहला द वर्ड कंजेस्टेड इन दैसेज मीन्स बच्चों कंजस्टेड अगर हम वर्ड देखें तो कहां पे लिखा है आप यहां पे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म एक्सेंस द एयरप्लेन कैन नॉट दे आर यूज़ फॉर डिफरेंट टास्क सिंस हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड दे कैन दे कैन नॉट नीड अ रन रनवे फॉर टेक ऑफ दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज तो इसका मतलब ऐसे एरिया जहां पे प्लेस की कमी हो तो देखो यहां पे क्या है place is roomy नहीं place has no place बन सकता है place can be accessed by the policemen्स ये कोई बात ही नहीं है place has so much of smoke due to नहीं तो बच्चों यहां पे देखो place is roomy roomy का मींस क्या होता है कम प्लेस का होना नो no प्लेस होने का मतलब वहां प्लेस है ही नहीं लेकिन रूमी का मींस क्या होता है बच्चों कम प्लेस का होना तो आंसर आपका यहां पे 1 बनेगा नहीं देखो अगर आप इसमें सेकंड आंसर लगाते हो तो सेकंड से तो बच्चों नो प्लेस का मतलब क्या होता है बिल्कुल प्लेस है ही नहीं लेकिन अगर आप इसे रूमी कहते हो तो रूमी का मींस होता ही क्या है थोड़ा प्लेस का होना कम प्लेस का होना तो आंसर आपका ए बनेगा एडोमोटिक यहां पर वेव जानेंगे आप हेलीकॉप्टर कैन हावर वो हावर कर सकता है हावर का मीन्स होता है बच्चों मंडराना आपने देखा ना कि हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे ऊपर मंडरा सकता है तो हावर को समझ लेंगे मंडराना होता है वाइल्ड एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हावर इन द पैसेज मीन्स तो बताओ स्टे एट वन प्लेस इन द एयर मूव स्ट्रेट अप इन एयर ऊपर उठना बैकवर्ड जाना पीछे जाना फ्लाई साइडवेज साइडवेज में चलना ऐसा होता है क्या बताओ क्या बनेगा Exactly बच्चों मंडराना तो आंसर आपका 27 का वन ही बनेगा बहुत अच्छे स्टे एट वन प्लेस इन एयर इसको मंडराना कहेंगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहां पे 28 में पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज ऑफ द वर्ड परफॉर्म देखो परफॉर्म का यहां पे पूछा है कि क्या है तो सीधी सी बात है पैसेज पे जाते हैं देखो यहां पर क्या लिखा है देखो ये लिखा है परफॉर्म यहां पे देखेंगे हेलीकॉप्टर कैन परफॉर्म तो बच्चों कैन के बाद में मेन वर्ब आएगी तो इसका मतलब क्या बना हमारा जो ये वर्ड है ये यहां पे बच्चों वर्ब है ना तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे ना कुछ ये वर्ब बनेगा क्योंकि बेसिकली ये मेन वर्ब है कैन के बाद इसका यूज हो रहा है तो ये अगर हम देखें तो ग्रामेटिकली ये वर्ब का फंक्शन यहां पर बच्चों करेगा अच्छा ठीक है चांदनी इट्स ऑल राइट बाकी कैसा रहा आपका पेपर ट्वेंटी नाइन को देखेंगे सब बच्चे वाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज एज एन एम्बुलेंस हम बच्चों यहां पे क्वेश्चन में एंबुलेंस की तरह से हेलीकॉप्टर को क्यों यूज कर सकते हैं तो आप सब लोग यहां पे आएंगे देखो नीचे की तरफ जाएंगे देखो लिखा है नो रूम फॉर एयरप्लेन सो आइसोलेटेड एरियाज विच डू नॉट द एयरपोर्ट्स

तो अब देखो ये जो वर्ड है इनएक्सेसिबल इसका मीन है जो एक्सेस नहीं किया जा सके जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल हो उसे बच्चों हिंदी में हम कहते हैं दुर्गम जैसे पहाड़ी पे पहुंचना है हमें दलदल वाले इलाके में पानी वाले इलाके में पहुंचना है तो एम्बुलेंस तो नहीं जाएंगे लेकिन आप हेलीकॉप्टर से वहां आसानी से रीच कर सकते हैं एक्सेस एकसे, कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी तो देखो बच्चों वेरी को हम जरा पैसेज में देखते हैं क्योंकि ऐसे वर्ड सीधे पैसेज में ही जाके देखने हैं आपको देखो जरा कहां पे वेरी लिखा हुआ है यहां पर हेलीकॉप्टर यह रहा सबसे पहले वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन तो बच्चों डिफरेंट क्या है एडजेक्टिव डिफरेंट क्या होता Adjective क्या है एडजेक्टिव हैं ना डिफरेंट पीपल अलग अलग लोग या डिफरेंट कलर्स अलग अलग कलर्स <coughs> तो डिफरेंट के पहले वेरी आने का मीन्स है कि ये एडवर्ब का फंक्शन करेगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो बच्चों इसका मीन हम यहां पर क्या बनाएंगे हम इसे कहेंगे एक एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है क्योंकि लिखा क्या है वहां पे, right तो तो पे एडवर्ब बन गया है आपका अच्छा बहुत अच्छी बात है चलो टॉपिक से क्वेश्चन थे अगले क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा बच्चे कंप्लीट हो गया देखो आपका तो ये पीडीएफ आपको आपके इस इसमें ही मिल जाएगी वैसे मैं बता दूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेसिकली और इन्हीं के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं तो अभी जो आगे डेज बचे हैं मैं सोच रहा हूं कि इसमें इसी इन्हीं प्रैक्टिस को हम बनाते चलेंगे कुछ क्वेश्चन आपके फ्रेश होंगे यानी नए क्वेश्चन होंगे और कुछ हम प्रीवियस ईयर से बच्चों लेंगे आपके लिए क्वेश्चन तो मुझे बताए सब बच्चे बेटा मॉर्निंग में पारुल अभी नहीं हो रही है अभी इवनिंग में ही हम लेते रहेंगे तो सब बच्चे मुझे बताएं हाउ डू डू फाइंड द वीडियो मतलब आपको ये वीडियो कैसी लगी ये क्लास कैसी लगी सब बच्चे मुझे बताएं इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सब बच्चे और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे सिक्स ओ क्लॉक एवरी डे हम इसको करते रहेंगे और जैसे ही हमारी ये क्लासेस पूरी होती हैं एग्जाम पूरा होता है आपका उसके बाद फिर हम और भी कोर्सेज को लॉन्च करेंगे ठीक है जी ठीक है थैंक यू सो मच ऑल राइट बच्चो थैंक्स अलॉट हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय मीट यू सोन अच्छा मॉर्निंग में करेंगे पारुल कर जल्द ही करेंगे बेटा कोई बात नहीं है ऑल राइट right, बच्चो बाय बाय ठीक है जी ठीक है